हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स, ठीक है ना दोस्तों। आज हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, फिजिक्स चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स में सबसे पहले हमारा जो पहला ही चैप्टर होता है, क्या होता है, जो पहला हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको देखने से पहले हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन में कि हमारे प्रकाश होता क्या है, क्या होता है प्रकाश, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट, ठीक है ना। क्या होता है, व्हाट इज लाइट। देखो, आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा कि लाइट प्रकाश वह होता है जो आँखों को संवेदन करता है, मतलब संवेदित करता है। तो सबसे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइट, क्या है, व्हाट इज लाइट। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि यहाँ पर लाइट का मतलब है, तो इसकी जो राइट डेफिनेशन है क्या है, राइट डेफिनेशन। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको फिजिक्स ना समझ में आए तो अभी डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट हमारी क्या है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, के रूप में संचरित 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 होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो क्या है, हमारा जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, मतलब चलता है। और प्रकाश को चलने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जब प्रकाश होता है, क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, उसके बाद क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, यानी किसी भी वस्तु से उसमें पड़ता है, पड़ने के बाद उसे परावर्तित होता है, फिर हमारी आंखों में आता है। और आंखों में जो हमारे लेंसेज लगे होते हैं, कई सारी हमारी क्या होती हैं इस तरह के बॉडी ऑर्गन है, उस हमारे अंदर उत्तल लेंस लगा होता है आंखों में, ठीक है ना। तो ये सारा उसको सेंस करके फिर हमें क्या होता है, वो चीज़ हमें दिखाई देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ये प्रकाश है, केवल हमारी आँखों के द्वारा ही आँखों को ही संवेदित करता है, ये हमारे स्किन को भी संवेदित करता है, ठीक है ना दोस्तों। आप धूप में खड़े रहिए, देखिए क्या होता है, क्या वहाँ पर आपकी आपको धूप नहीं लगती, वहाँ आपको सेंस नहीं होता, वहाँ भी सेंस होता है। तो इस प्रकार से लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब हम लोग इसके गुण की बात करें तो क्या होता है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी प्रकाश के गुण, यानी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रकाश के गुण, सिंपल सा। तो सबसे पहले ये होता है, इसका जो पहला ही गुण है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। सिंपल सा आप देख सकते हैं कि सूर्य से हमारे पृथ्वी में प्रकाश आता है, वहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा हमारा होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, क्या होती है, द्वैत, द्वैत प्रकृति का होता है, द्वैत होती है, मतलब ये जो प्रकाश है हमारा, ये एक तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। कैसे, जैसे सिंपल सा कि अगर आपने देखा होगा कि आप एक सिंपल सा क्या लें, आपने देखा होगा कि आपके मकान में क्या बने होते हैं, ये रोशनदान टाइप के बने होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनसे प्रकाश आता है, लेकिन वो पूरे कमरे में हमारा फैल जाता है, क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक वेव का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। और ये जो सौर ऊर्जा होता है, सौर प्लेटें नहीं देखी होती हैं, ये आपने, आप हो सकता है आपके घर में भी हो, ठीक है ना। तो वहाँ से जो प्रकाश पड़ता है, तो वो एक तरह से वहाँ पर क्या है कि वहाँ से हमें पता चलता है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति को डी ब्रॉगली ने बताया था, किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने बताया था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग तीसरा फिर देखते हैं कि प्रकाश की जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल हमारी 3 × 10 के पावर
8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या होगा, जो प्रकाश है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश। और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में कई रंग होते हैं, प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, रंगों का मिश्रण होता है। तो ये हमारे इस तरह से हमने पांच पॉइंट्स देख दिए, इनकी पांच तरह की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है प्रकाश की प्रकृति द्युत होती है। तीसरा देखते हैं प्रकाश की जो चाल है क्या आती है, जो प्रकाश की चाल है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश जब चलता है तो एक तरह से जब प्रकाश की कई सारी किरणें एक साथ चलती हैं, जैसे ये हमारा प्रकाश है, यहाँ से क्या ये हमारा कोई भी स्रोत है, सपोज हमने सन मान लिया, तो यहाँ से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो जब एक साथ कई सारी किरणें चलती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। तो इसी तरह जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की हमारी जो प्रकाश किरणें होती हैं तीन प्रकार की होती हैं। तो प्रकाश किरणें हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। प्रकाश किरणें तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। तो आप सबसे पहले आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपने क्या होगा बादलों में देखा होगा, सूर्य को देखा होगा कि सूर्य बादल में हुआ तो आपको सीधी किरणें दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती, ऐसे जैसे आपका सूर्य है तो वहाँ से। तो सबसे पहले एक होता है हमारा समानांतर किरण पुंज। दूसरा हमारा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी समांतर में हमारी प्रकाश किरणें सीधे चलती हैं। ठीक है ना, अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश कई स्रोतों से जाकर एक जगह क्या हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपने क्या होता है लेजर बीम का उदाहरण देखा होगा, लेजर में क्या होता है एक जगह इकट्ठा, और अपसारी में फैल जाता है ऐसे करके ऐसे। ये गाड़ियों पर लगी हेडलाइट गाड़ी पर हेडलाइट लगी होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो बस इतना ही, थैंक यू।